वेलकम बैक नाज़रीन। दुर्गा साहब जी, मेरे ख्याल में मूँ चोरी राय है तो मुतहद को मूवमेंट इन मकानी दाल के निज़ाम के इख्तिलाफ़ कर हुकूमत अलग थी तो जी वो मज़लूम थे मानून वट वे वोट बैंक पैंने बरकरार रखी सके। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो ये ऑप्शन रहन था वरी मर्जी के अलाई चूंडियो या इलेक्शन में वनो, पर एम क्यू एम जो तो खास ट्रैक रिकॉर्ड है तो उ सदाई जंप इन कहना जो भी यो वी साल उन्होंने स्ट्रेटजी टाई छी है। खास तौर से मोहतरमा के बे दौरे हुकूमत का पो उन्होंने यो तजुर्बो है तो अपोजिशन में वनबो ही को विड़बो ही को पान चवन पे अंदर कार्ड तो असि पीटीआई साहब इन्हों जो गाल हलन पे फंक्शनल लीग साहब इन ठीक ठाक इलेक्शन ते वा इंडिपेंडेंट पाँची पार्टी प्लेटफॉर्म इलेक्शन में दही कें शेयर दींदा को इलेक्शनू केडो भी इलेक्शन कमीशन मजबूत हुए इलेक्शन कमीशन मजबूत पां सिस्टम में होंद पर मुझे ख्याल है कराची में वरी भी हिंसो असर नफ़कत बढ़ाने की कोशिश कह चाहिंदा तो अना भी इन किस्म के फार्मूले में अचू जैमें असो शेयर अब गवर्नमेंट में बधे कंटिन्यूसली अगे हुकूमत में मशरफ के डी में खी उन प्रॉब्लम हो तो मशरफ के सजी पाकिस्तान पे रिजेक्ट किया तो आमिर है पर पीपल्स पार्टी तो अची इन्होंने लेजिटिमेसी दई छी है इलेक्टेड हुकूमतू मोहतरमा जो शहादतू बया मामला तो ये तमाम घना पावरफुल थे चाहिंदा जाहिर पॉलिटिक्स है तो असो शेयर वे ही जो मकानी इदारों को गाल हली पे डिस्कशन इनमें ही कंप्रोमाइज न कंदा त कराची इंटरेस्टिंगली जो हिंसर कराची जहाँ चार जिला कराची की अगर तुम लैंड मास दिसो तो उन रुगो 23% रुगो मलीर जो डिस्ट्रिक्ट है गड्डा ये पासा इब्राहिमेत्री यो 67 लैंड मास है सारी कराची जो तो हाँ सैचुरेटेड थी है जो विचो शहर है कराची जो इन्हें लैंड खपे कें भी सूरत में लैंड ही तमाम घनी खी भी आन तेरे रेवन्यू से कंप्रोमाइज न कंदा लैंड इन्हें खपे एक वन सिटी गवर्नमेंट खाने जो भी मकसद यो तो बेसिकली मलीर की सजी जी लैंड है उन्हें कंट्रोल कर या लैंड जो शहर के विच में हो शायद इन सब्जेक्ट से मन ना इन हैदराबाद की लैंड है बया मामला तो ही पांजे मौकफ से रहंदा इन्हें केदी माल तवको रखी सकजे थी तो अलग थी था सकन इन भी डिलीवर न किया जर तुम हलो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एरिया जाहिर पाकिस्तान जो इशूज एतरा जो का हुकूमत सभी मान मसला नी कर भी परफॉर्मेंस ठीक ना तेरे ही भी चाहिंदा तो कोई पॉपुलर इवेंट थे को अड़ो मामलो थे जैमें इनके तमाम घनी मैच सपोर्ट मिले। नवन सूबों मामलो है पंजाब में कमीशन जो इजलास इजलास में नवाज लीग के मैंबर बाइकाट किया फरतुल्ला बाबर साहब के चेयरमैन मुकर किया तो नवाज लीग के मैंबर चवण फारूक सत्तार साहब या जदील साहब के मैंबर छो क्यों है छा उन पंजाब से कोई ताल्लुक ही न तो जुड़े कें पे समझो नवन सूबों इशू पंजाब में खास तौर से यो कमीशन में को रिजल्ट निकलो या कमीशन खुद तकरारी बन जी ऐसो नवन सूबों मामलो एक सियासी नारेबाजी वर चढ़ी वो पाकिस्तान आइनी तौर से फेडरेशन यूनियन है हिंदुस्तान यूनियन है हिंदुस्तान में सूबन के जोग्राफी हदन में फेरफार नवा सूबा ठाने जो अख्तियार मरकज वट मरकजी पार्लियामेंट वट मिड 50s में हिंदुस्तान 14 में ये सब सूबा ठाया तो उन रीजन यो हो तो अख्तियार मरकज वो पाकिस्तान के मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आइन में यो मरकज के अख्तियार दिनों ही न वो मरकजी पार्लियामेंट के यो अख्तियार इस्तेकाक हासिल ही ना इन सब का पे यो मुखाल दुरुस्त थे तो इन मुल्क में स्ट्रक्चरल तब्दीलियों आने के लिए मौजूदा आइन मजाज ना हाँ न ही आइन मुअत्तल कर खत्म कर नई आइन असेंबली आयो वह नो आइन ठाए उन प्रोविजन विधो यो मुमकिन है मौजूदा आइन में यो प्रोविजन ना नंबर वन। नंबर टू एक अड़ो क्लॉज है आर्टिकल है जैमें या गुंजाइश मौजूद आ तो जैसे सूबन के हदबंदिन सूबा न चल नवा सूबा ठाण सूबन के मौजूदा हदबंदिन बाउंड्रीज में का तब्दीली करनी रदू करनी तेज बभांगे टे अक्सर खपे रेस्पेक्टिव वास्तेदार असेंबली की यो मामलो तद भी सिर्फ उन सूबे जो इस्तेकाक उन ताल्लुक ना वफाक की पार्लियामेंट से वफाक की हुकूमत से तो मुझे ख्याल यो आ सब का पैरी गाल यो जो सजो उथ्यो सूबन जो इशू यो वफाकी हुकूमत के या वफाकी पार्लियामेंट के इवन नंबी गल अख्तियार ही ना हाँ पंजाब इन कर इन इतलाक जो ठही है कमेटी हाँ इन जो वायुमंडल ठो उन में जो दबाव हो पीएमएल एन से खास तौर से पीएमएल क्यू थे छो तो जो पीएमएल एन ए क्यू जो मेंबर सदरन पंजाब में उ भी हिमायती उठन खेल पीपुल्स पार्टी पर सभी इन हिमायती नतीजे में
हिकड़ी उबराई चो तकर चो जेको बाद में खबर पई त पीएमएल एन यो क्रेडिट खणे चक्कर में पंजे सूबाई असेंबली मा यो ठहरा पास करे छियो ठीक त भली सूबा पंजाब में टे सूबा ठायो माना बहावलपुर के अलग सूबो कयो अलग हालत में बहाल कयो जंहिंमें बहावलपुर बहावल नगर रहीमदार खान बाकी जो सहकी इलाको उनके अलग सदरों पंजाब ठाओ ए मथे जो सेंट्रल पंजाब हो असली सूरत थी हाँ उनके नतीजे में हि चई है कमीशन मुझे ख्याल में सब का पैं गाल मर्कज के कमीशन ठाने को अख्तियार ना है यो इस्तेकाक वरी भी सूबाई असेंबली जो पार्लियामेंट कमीशन पार्लियामेंट के अख्तियार ही ना है मौजूदा आइन तहत जिम्मेदार चाहू मौजूदा आइन तहत इन पार्लियामेंट के यो इस्तेकाक हासिल ना है उनके राइट ना यो सही यो सूबन मामलो इन कर मुझे ना ख्याल तो को पीपल्स पार्टी हेस ती बुधा ही ना तो उन कड़ो तरीको होंगे दुनिया में तरीका राज्य को टे पूरी दुनिया में जो सूबा ठंडा या तो आइन मिजाज हुए तो आइन तहत जो प्रोसीजर आए ना तो आइन के वक्ती तरह मुअतल कर आर्बिट्रेली पावर इस्तेमाल कर नाइजेरिया में सूबा ये ठाया इथोपिया में सूबा ये ठाया हिंदुस्तान में सूबा ये ठाया जर्मनी में सूबा ये ठाया चव कैंटन्स लैंडर्स पूरी दुनिया में जिते आइन उते आइन मुअतल कर पाकिस्तान में आइन के मुअतल कर सूबा ठाने का मतलब पाकिस्तान के बर्बाद करना एतरा तकरार मौजूद हैं टो है रेफरेंडम वो पाकिस्तान के आइन प्रोविजन है ही को मिसाल कैनेडा में यो प्रोविजन आइन में तो कैनेडा के आइन में यो है खबर क्यूबेक के सूबे जो फ्रेंच जो मूवमेंट हुई अरबी पसंद की रेफरेंडम थो पाकिस्तान के आइन में बया तरीका मौजूद ही ना न रेफरेंडम मौजूद आ इन कर वाहिद तरीको मौजूद यो है सूबन ठाने जो ना सूबन के हदबंद बाउंड्रीज में रदो बदल जो अख्तियार है वास्ता सूबा असेंबली के तो मुझे ख्याल में सजी जो है सियासी गेम्स जो चक्कर आ कें भी धुर न बुधाया जी ठाय चाहे थी आखिर तरक सूबे माहौल नहीं ठहन खे भली बुधाओ कि आईनी तरीकेकार हेस तौम न बुधाया जलसन तकलीफ हुई अन एकड़ो दफो भी हुकूमत न बुधाया तो बाबा ये तरीको हों जै मुताबिक अस मुल्क में ये सूबो ठाईदासूँ सलाम मंगरिंग है हेडे भी नारेबाजी है होड़े मुखालफत अच्छी बदा का वाजे तरीको मौजूद ना तो ये कि सूबो ठाईदा मुझे ख्याल में ये सूबो को इलेक्शन गुजरी पीपल्स पार्टी चाहिंदी तो इन नारे के कैपिटलाइज करें इन इलेक्शन में इंदर इलेक्शन में साधारण पंजाब में सराखी बेल्ट में यो नारो कम कर वाकई या सागी सूरत हाल जी पीएमएल क्यू अख्तियार कर चुकी है तब उत हिमायती करें इन कर मुझे ना ख्याल तो सूबो ठहनवारो आ सूबे की सियासत थी पर सूबे के बारे में को भी वाजे फॉर्मूलो ना तो आखिर सूबो ठंडो क्या ठीक जी डॉक्टर नवाज लीग इतराज नवाज हाजी अदील साहब एम पी वा एम क्यू में फारूक सत्तार साहब इन कमेटी का मेंबर न होजन कमीशन का मेंबर न होजन तो पंजाब से कोई ताल्लुक भी कोने को जामिन साहब चुनाव वफाक के कोई ना आई टी वफाक कमीशन जो जोड़ी वे सूबे का कमीशन हो बेहतर न हो सही जो तरीकेकार है पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ठही है पार्लियामेंट्री कमेटी कमीशन में चौदह मेंबर्स उन्होंने रखा प्रोपोर्शनल के तहत रखा तो 1:37 के हिसाब से तो उनमें रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली एम क्यू एम के भी आई है ए एन पी के भी आई है जे यू आई के भी आई है उन तहत यह कमीशन ठही है जो सो पार्लियामेंट तो सुझा तो एक बेहतर स्टेप फॉरवर्ड है हर भर उनके क्रिटिसाइज न कज को तो वे आउट तो करो पव अल्टिमेटली दुनिया जहाँ मिसाल दई कर रस्त को रोके सकूँ पा कें भी कम की शुरुआत ला डेफिनेटली को स्टेप तो खड़ो पे तो पो सुझा तो बेहतर नतीजो निकर ठीक पार्लियामेंट कमीशन के इजलास में नवाज लीग बाइक अभी पंजाब असेंबली में सही हंगामा थी रही मच्छी मार्केट बन जी असेंबली सारी सूबन वाले मामले से तो पंजाब असेंबली में खुद मन वही कंट्रोवर्सी मौजूद है छा मामलो जामी साहब वाली गाल इनते पंजाब असेंबली में विकास हासिल थी थे दिसो मां समझा तो जेके इश्यूज हैं मुल्क जा या मुल्क जा जेके क्राइसिस हैं उनमें आउं समझा तो बे मेन स्ट्रीम पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं पाकिस्तान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज लीग वो जो पी नेचुरल क्वेश्चन हो या टेंडेंसी हुई वधन की भी डिलीवर करण की वो हाँ नेचुरल क्वेश्चन वो हाँ पूरो थी चुको हाँ ही वेंदी डेक्लाइन तो हाँ डेक्लाइन वन सूरत हाल में बजाय सजी पी सजे मामलन के क्रिटिकली उनके सोची वीचार हैप हैजर्ड एक अजीबो गरीब नारा अजीबो गरीब डिमांड्स जो गाल कई जामी फेडरेशन के ही दिसन था 73 के फ्रेमवर्क में असी चाहूँ तो फेडरेशन के दिसो बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेमवर्क में
पंज विफाकी इकाइन ही मुल्क ठायो एकड़ी हली वही ये चार इकाइयों पाण में तय कंदियूं त हाँ रहूँ था ना रहूँ फेडरेशन हले थी या वरी इन फेडरेशन के अंदर प्रॉब्लम सफा बुनियादी यो फार्मूलो है जो ही सब पार्लियामेंटेरियंस भी को पढ़न जर्नलिस्ट भी को पढ़न सिविल सोसाइटी या मानू को अची दियन दबूँ साई पंजाब में अगर सूबे की डिमांड हो रही है तो सिंध में क्यों नहीं बाबा पंजाब जो कॉन्टेक्स्ट भी है सिंध जो कॉन्टेक्स्ट भी है असा भी दोस्त क्रिटिसिज्म कला था सरागी सूबे के खिलाफ है सरागी सूबे के खिलाफ ना आयो अड़े बुनियादी कॉन्ट्रेटी गाल क्यों जैसे तहत ही फेडरेशन टही उनमें इख्तियार ही को फेडरल गवर्नमेंट के इंटरवीन कर मश्करी पा कन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला ये समझा तो जी अड़ी तरमी में सारी कौम असा क्या था एप्रिशिएट कर रुगो पे रोज कमेटी ठहन रोज पे मूल वाह वाह कहना कड़ो कम है पख्तूनख्वा के लेजिस्लेटर जो उतने वन जो कड़ो कम है एमक्यूएम के लेजिस्लेटर जो पंजाब की असेंबली टू थर्ड मेजॉरिटी से तय कंदी बो तक इंट्रेस्टिंग फिनोमिना बुधा हि जी पावर स्ट्रक्चर है मुल्क जो उनमें नवाज शरीफ तजारा रिप्रेजेंट तो करे पंजाब के कड़े ठीक ठाक तबके के पंजाब जो इंट्रेस्ट इन लेवल से पहुंची वह जो तुम पीपल्स पार्टी चो तो सराकी सूबा बनाएंगे उन्हें चो दो बना दो बावलपुर भी बना माना पंजाब हाँ ये जो को लैंड के कंट्रोल का उन्हें पावर इंटरेस्ट एडा अग्न निकल जो जन बटाए छो टेटा छो असो जो मामलो अजा के सीरियसली इन फेडरेशन के पे तो समझण घुर्ज खासतौर से बिन्हीं पार्टीज की लीडरशिप है ये इलेक्शन गिमिक है पर यो कम करे वो ताजो हिंसर सराकी बेल्ट में घुमी आया उतने जे जे लगी पी जरदारी साहब जी तो वो इलेक्शन में भी इस्तेमाल कर पर फिर फेडरेशन के नुकसान पे पहुंचाने इन किस्म जो मारणियों गाल करे गैर सियासी मामला है फेडरेशन के मेहरबानी डॉक्टर साहब जामी साहब मेहरबानी इन प्रोग्राम से मेजबान रऊफ चांडे के जस्ट न अलावा।